स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही लचर है, उस पर ध्यान देना। आम स्तर पर राजनीति हो और वहाँ पे अच्छे लोग आएँ, तो जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे स्थिति नहीं सुधरेगी जो भारत देश की है। एजुकेटेड है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बनहार भी है और युवा वर्ग का है। इससे पहले भी अगर नेता में नहीं भी थे तो वो अच्छा विकास कर रहे थे, अगर हो जाए तो हम सबके लिए अच्छी बात है और वो अच्छा विकास करेंगे। कर्मठ है, सुयोग है, सुशील है, युवा है और युवा के जो इस दौर चल रहा है इसमें युवा मुखिया होने का सख्त जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज़, मैं हूं आपके साथ दिला सदा। ये पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, इसको लेकर अंधराखाली प्रखंड में नॉमिनेशन चल रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ की कितना जन सैलाब है, लोगों की कितनी भीड़ है, जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है यहाँ, क्योंकि यहाँ लोगों की भी उतनी ही भीड़ है और इसी रास्ते से गाड़ी सब भी जा रही है, तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ एकत्रित है, कितने सारे लोग हैं। आइए, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं मेरे साथ जिनसे हम बात करते हैं। काम गुलाम राय। कौन सा पंचायत है? जलसन पंचायत। तो आप यहाँ किसके किसको लग कौन लग रहा है? शंभू यादव का। अच्छा, उनका आप पहली बार खड़े हो रहे हैं, कितने साल से ये सेवा कर रहे हैं? पहले भी पाँच साल थे। आप लोग क्या उन्हें कार्य से संतुष्ट है, कैसा काम किया उन्होंने इस पंचायत के लिए? काम ठीक ही किए। तो आप लोग दोबारा चाहते हैं कि हम आप बने? चाहते हैं। प्रसाद यादव। आप यही रह रहे हैं, नठारी गांव में रहते हैं? नहीं, गांव में नहीं रहते, हम जलसन पंचायत के अंतर्गत गोदामटोल गांव में रहते हैं। तो आप अपने प्रत्याशी चुनने आए? हम अपने प्रत्याशी के समर्थन में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ भीड़ के कारण, उग्र व्यवस्था होने के कारण हम लोग साइड हो गए हैं। यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, किलोमीटर इधर से इधर तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, पूरा गाड़ी यातायात बाधित हो गया है, इसलिए हम प्रतिनिधि को यहाँ पे खड़ा होकर समर्थन नहीं दे पा रहे, इसलिए साइड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्का चल रहा है, इसलिए व्यवस्था का उपयोग किया गया है। तो आप किनको वोट कर रहे हैं? शंभू यादव को। आज से पहले भी ये कार्य कर चुके हैं पंचायत में? हाँ, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे सहयोग किए हैं पंचायत के अंतर्गत, समाज में रह करके। हम खुद प्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन समाज में रह के बहुत आदमी का हेल्प किए हैं। तो आप इस बात से अवगत हैं कि समाज में वो काम कर रहे हैं? हाँ, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एजुकेटेड हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बनहार भी है और युवा वर्ग का है। अच्छा, आप इनके आपके जो मुखिया बनने के लिए जा रहे हैं उनके एजुकेशन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या बोले आप, इनके एजुकेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, LLB किए हुए हैं और अच्छा पढ़े लिखे इंसान हैं, कर्मठ हैं, सुयोग है, सुशील है, युवा हैं और युवा के जो इस दौर चल रहा है इसमें युवा मुखिया होने का सख्त जरूरत है। वैसे हम लोग समर्थक में शंभू यादव के हैं। आपको क्या लगता है, देखिए कि शंभू जी को वोट जाएगा? हाँ, हमें तो पूरा, और हम लोग समर्थक भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले बार भी हम लोग नेता चुने थे तो जिस तरह से होना चाहिए ऐसा नहीं था, इसीलिए हम पूरे विचार के सब गांव वाले ने शंभू यादव को चुना है इस बार और शंभू यादव को जिताएंगे। आज से पहले भी अगर काम कर चुके हैं तो इन्होंने इस पंचायत के लिए क्या क्या विकास किया? जरूरी नहीं है कि मतलब क्षेत्र में नेता के रूप में रहना ही जरूरी है, इससे पहले ना रहने के बावजूद भी बहुत काम किए हैं, इसका मतलब पूरे गाँव वाले भी गवाह में हैं। जब नहीं थे लीडर में तब भी वो बहुत ज़्यादा क्या हेल्प किए हैं, जैसे भी किसी का मृत्यु हुआ या डूबा हुआ कोई भी हुआ तो उसमें शंभू यादव जी पूरे क्षेत्र में अच्छा काम। मतलब शंभू यादव जी एक समाज सेवा कर तौर पर कार्य कर, उसमें कोई मतलब संदेह ना हो कुछ नहीं है, अच्छा समर्थक हैं वो और सब अच्छा है उनका। आपको लगता है अगर अभी शंभू यादव जी जीत जाते हैं तो इस गाँव या इस पंचायत का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है? हाँ, इससे पहले भी अगर नेता में नहीं भी थे तो वो अच्छा विकास कर रहे थे, अगर हो जाए तो हम सबके लिए अच्छी बात है और वो अच्छा विकास करेंगे। शंभू यादव जलसन पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। सर, आपको लगता है ये जो मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं मुखिया पद पे, तो क्या वो काम कर पाएंगे? कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे, एकदम सुयोग, कर्मठ, सुधारू, बहुत बढ़िया है मुखिया प्रत्याशी हैं, और ये जीतते हैं तो बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से काम होगा जलसन पंचायत का, और सभी का ध्यान रखने वाले बहुत अच्छे शिक्षित आदमी हैं, बहुत एजुकेटेड पर्सन है ये। आज से पहले भी हाँ। तो इन्होंने पंचायत के लिए क्या क्या विकास किया? बहुत सारे विकास किए, रोड बनवाए हैं, जितने भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं का लाभ दिलाए हैं, बहुत सारे विकास किए हैं, अनगिनत विकास किए हैं। आप लोग इनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि अगर ये इस बार इनके क्या है, जीतने की संभावना है? बहुत जीतने की संभावना, 99% जीतने की संभावना है इस बार। मुखिया पद के लिए एक प्रत्याशी ने फॉर्म भरा है, आइए हम उनसे जानते हैं कि जनता की सेवा को लेकर उनके मन में क्या भावना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम शंभू यादव है और मैं झंझारपुर न्यायालय में अधिवक्ता हूँ।
सर, तो आप अभी अधिवक्ता होने के नाते अभी आप समाज सेवा में आ गए हैं, तो आप क्या कैसे आपको ये सुझाव आया कि आप समाज सेवा करें? देखिए, जब तक पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे पंचायत स्तर पर, जो गांधी जी का सपना था कि वो ग्राम स्तर पर राजनीति हो और वहाँ पे अच्छे लोग आएं, तो जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे स्थिति नहीं सुधरेगी जो भारत देश की है। तो इसी सोच के साथ मैं आया कि कुछ अलग करूँगा और नौजवान मेरे साथ हैं, सभी लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो मैं उस स्तर पर जाकर काम करना चाहता हूँ जिस स्तर पर लोग नहीं जा पाते हैं। इसीलिए मैंने ग्राम पंचायत को चुना और मेरी माँ भी इससे पहले मुखिया थी और उनके साथ मैंने रहकर बहुत ही अच्छा काम किया और लोगों तक पहुँच बनाया। तो लोगों के मांग पर उन्होंने कहा कि आप, मैं इससे पहले नौकरी में था HDFC बैंक में, तो लोगों ने, युवाओं ने कहा कि आप आइए, तो मैं यहाँ पर आया और इस सोच के साथ आया कि पढ़ा लिखा आदमी अगर आएगा, नई सोच होगी, नया उमंग होगा, तो पंचायत का विकास होगा। सर, मैंने आपके समर्थकों से भी काफी लोगों से बातचीत की, तो आपके बारे में बता रहे थे कि आप काफी पढ़े लिखे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी डिग्रियां के बारे में। जी, मैंने IME इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन साहिबाबाद जो UP में है वहाँ से BBA किया है। उसके बाद मैंने ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर से अपनी MBA की डिग्री पूरी की। उसके बाद मैं HDFC बैंक में था। अब पुनः मैं जब जनता के बीच जाना चाहा तो कुछ तो और होना चाहिए कि अपनी उपार्जन भी मैं कर सकूं। तो उसके लिए मैंने पुनः समस्तीपुर विधि कॉलेज से मैंने अपनी LLB की डिग्री पूरी की और झंझारपुर न्यायालय में मैं अभी वर्तमान में वहां पे वकालत कर रहा हूं। तो क्या आप अपने पंचायत में किस तरीके का विकास करेंगे? देखिए, सबसे पहले विकास की जो बात होती है तो पंचायत में जो सरकार के द्वारा दिया जाता है धन, उसको सही रूप में लाया जाए। सबसे पहला सड़क, और अब सड़क से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया नाली। नाली की व्यवस्था गांव में अच्छी नहीं है, जिससे हमेशा जैसे ही बारिश होती है तो पूरा पानी पानी हो जाता, हर एक गांव कीचड़ से सना जाता है। तो नाली की व्यवस्था और पानी जो जनरल था, अभी जो वर्तमान में मुखिया जी थे उनके द्वारा बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की गई जो सरकार के द्वारा दिया गया था जनरल, उस पर काम करना। स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही लचर है, उस पर ध्यान देना, यही मेरी प्राथमिकता है।